तो फ्रंट पर देखिए दिल्ली का दंगल रोज रात 8 बजे। हम आपके लिए लाएंगे जनता के सवाल और होंगे हुक्मरानों के जवाब। कौन सी पार्टी क्या सोचती है? अभी 5 साल केजरीवाल की सरकार के थे, वो कुल मिला के ठीक है। केजरीवाल जी, केजरीवाल का खास करके दिल्ली में 5 साल दिल्ली के लिए अच्छा रहा। देखा आपने, ये है दिल्ली का मूड और शायद अरविंद केजरीवाल इस मूड को भांप गए हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं दिल्ली का दंगल। द फ्रंट पर दिल्ली के दंगल के इस खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अब वाकई सियासी दंगल दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में शुरू हो चुका है। दिल्ली का चुनाव जितनी जल्दी जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे दिल्ली में सियासी गहमा गहमी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी ने आज अपने 70 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इन 70 उम्मीदवारों में 24 के नाम कट चुके हैं। जी हाँ, सिर्फ 46 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है, जबकि 24 मौजूदा विधायक इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं, यानी कि 8 फरवरी को होने वाले चुनाव में वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हिस्सा इन द सेंस कि आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है। लेकिन जिस तरीके से हमने आपको शुरू में ही सुनवाया कि दिल्ली की जनता चाह रही है, जो द फ्रंट भी लगातार दिल्ली की जनता के संपर्क में है और हम जब लोगों से इलाके में जाते हैं तो अधिकांश लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली में उन्हें केजरीवाल का काम पसंद आया। ये बात शायद केजरीवाल को भी समझ में आ रही है, इसलिए उन्होंने जनता का ध्यान रखते हुए पार्टी के हितों के लिए इन 24 विधायकों का, मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया है। इनकी जगह पे कुछ नए उम्मीदवार होंगे। नए उम्मीदवारों में कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। बड़े नाम हम इसलिए कह रहे हैं कि 2019 की लोकसभा चुनाव में जो 3 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लोगों के सामने चुनाव लड़े, उनके नाम इसमें शामिल हैं। जी हाँ, आतिशी मर्लिना, आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में ईस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थी, हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा। गौतम गंभीर वहां बीजेपी के टिकट पर सांसद बनकर चुने गए हैं। दूसरा नाम आपको दिलीप पांडे, आपको याद होगा मनोज तिवारी और शीला दीक्षित जैसी दिग्गज के सामने आम आदमी पार्टी ने दिलीप पांडे को टिकट दिया था उत्तर पूर्वी दिल्ली से, और वहां से दिलीप पांडे को भी हार का सामना करना पड़ा था। मनोज तिवारी वहां से सांसद बने। और तीसरा बड़ा नाम जो कि आम आदमी पार्टी का स्ट्रेटेजिस्ट माना जाता है, शुरू से जिस वक्त आम आदमी पार्टी स्थापित हुई उस वक्त से ये शख्स जुड़ा हुआ है, राघव चड्ढा, नाम सुना होगा आपने। राघव चड्ढा को भी इस बार चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया है अरविंद केजरीवाल ने। और कई विधायकों यानी कि 24 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। इनमें वो विधायक भी हैं जो पार्टी की शुरुआत से जुड़े हुए हैं, यानी कि अन्ना आंदोलन के वक्त से अरविंद केजरीवाल के साथ थे। हम बात कर रहे हैं बदरपुर के विधायक की। बदरपुर के विधायक का भी टिकट काट दिया गया है, और हाल में वहां से जो शामिल हुए हैं आम आदमी पार्टी में नेता सिंह राम सिंह को टिकट देने का फैसला किया गया है। राम सिंह, आपको बता दें कि निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, निर्दलीय विधायक बन चुके हैं वहां से, बदरपुर से एक बार वो बीएसपी से चुने गए हैं, विधायक बन के आए हैं। यानी कि दिल्ली ऐसी जगह पे बदरपुर जैसे इलाके में निर्दलीय या बीएसपी के चुनाव टिकट पर चुनाव जीतना अपने आप में अहम बात है, और शायद यही सब देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने इस बार बदरपुर से राम सिंह को टिकट दिया है। लेकिन वहां के मौजूदा विधायक इसका विरोध कर रहे हैं और बगावती सुर में दिख रहे हैं। साफ साफ उन्होंने ये कहा है कि अगर पार्टी ने जिस तरीके से उनके साथ अनदेखी की है, जिस तरीके से ईमानदार आदमी को, ईमानदारी और करप्शन के नाम पे जो है हम पार्टी से जुड़े थे और इन दोनों चीज़ों की अनदेखी करते हुए पार्टी ने मुझे टिकट न देकर किसी और को टिकट दिया है, तो ऐसे में मैं दूसरी पार्टी का भी हाथ थाम सकता हूँ। और इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में ये 24 विधायक किसी और पार्टी का दामन थामते हुए दिखें। अब बता रहा हूँ मैं आपको, शाजिया एलमी, आपने नाम सुना होगा, शाजिया एलमी अन्ना आंदोलन के समय से ही अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी थी, बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी के साथ जुड़ गई थी। शाजिया एलमी के साथ आज कई सारे उस वक्त के वॉलेंटियर्स, यानी कि अन्ना आंदोलन के वक्त के वॉलेंटियर्स जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े थे, उन लोगों ने आज शाजिया एलमी के निर्देशन में
शाजिया इल्मी को निर्देशन में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शाजिया इल्मी ने ही वो बीच की कड़ी हैं जिन्होंने इन कई सारे वॉलंटियर्स को, आम आदमी के कार्यकर्ताओं को आज बीजेपी ज्वाइन करवाया है। यानी कि कहीं अरविंद केजरीवाल का कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस उनके लिए भारी तो नहीं पड़ेगा। जो जनता की जिस तरीके से मांग उनको दिख रही है, उनको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली की जनता है और इस चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल भारी मतों से जीतेंगे और बहुमत लेकर के आएंगे। जिस तरीके से पिछले चुनाव में उन्होंने 70 में से 67 सीटें हासिल की थीं, वैसे ही इस चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल 60 से ऊपर सीटें लेके आएंगे, ऐसा आम आदमी पार्टी दावा भी कर रही है। तो कहीं इसी कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में अरविंद केजरीवाल को नुकसान न पहुंचे, क्योंकि जिन विधायकों का टिकट कटा है वो विधायक अब अपने कार्यकर्ताओं के साथ दूसरी पार्टियों के दामन थामने को तैयार खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के चुनाव में जो बाकी चीज़ें हैं, जो बाकी मुद्दे हैं, उनके साथ साथ आपसी जो घर की कलह है वो भी एक मुद्दा बन सकती है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन दिल्ली की जनता क्या सोचती है, दिल्ली की जनता क्या चाहती है, दिल्ली की जनता को क्या चाहिए, दिल्ली की जनता के लिए कौन से मुद्दे अहम हैं, दिल्ली के दंगल में हम रोज आपको दिखाते हैं और आज अभी आपको दिखाएंगे कि दिल्ली क्या चाहती है। सुनिए, जो पीछे अभी 5 साल केजरीवाल की सरकार के थे वो कुल मिला के ठीक है, गलत भी नहीं कह सकते और ज़्यादा अच्छे भी नहीं, मिला जुला ठीक है। बाकी अगर और चीज़ों के मुताबिक देखें तो अभी करने की बहुत गुंजाइश है, इतना काम है कि जो केजरीवाल को आने वाले 5 साल भी अगर और मेहनत की जाए इससे दुगनी, तब जाके कुछ मजा आए, क्योंकि दिल्ली एक देश की राजधानी है और इसे वर्ल्ड लेवल पर दिखाना है तो हमें इसमें बहुत काम करने पड़ेंगे। इस विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर काम करेगा कि नहीं? देखिए, मोदी जी के फैक्टर के ऊपर तो आप नहीं चल सकते, मोदी का फैक्टर एक विश्व लेवल का लीडर है, वो दूसरी चीज है। केजरीवाल जी, हम वोट उनको देंगे केजरीवाल जी के लिए। मोदी फैक्टर काम करना चाहिए वैसे, क्योंकि जो हिसाब से केजरीवाल जी कर रहे हैं, मतलब कि जो राजधानी का या देश का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, गाड़ी है, मेट्रो है, इनको ये फ्री कर रहे हैं, ये तो आप इसको लॉन्ग टर्म में सोचो तो अच्छी बात नहीं है। हाँ सर, कुछ तो इफेक्ट डालेगा, क्योंकि अभी जो चल रही है देश में और पूरे क्षेत्र में जो डेली डेली का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, कुछ तो उसका फर्क पड़ेगा, इफेक्ट आएगा। केजरीवाल का खास करके दिल्ली में 5 साल दिल्ली के लिए अच्छा रहा, उन्होंने बिजली का बिल कम किया, लोगों के शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया, तो उनका दिल्ली पे अच्छा रहेगा। ये NRC का दिल्ली विधानसभा के चुनाव में असर पड़ेगा, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा मुद्दा है और ये राष्ट्रीय नागरिकता से संबंधित है, क्योंकि पहली बार किसी ने सोचा है कि जो बाहर से शरणार्थी आए हुए हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, जो भी आए हुए हैं यहाँ पे शरणार्थी, उनको एक हक बनता है कि भारत की नागरिकता मिले, क्योंकि वो कहाँ जाए इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसने किसी भी व्यक्ति के, भारतीय व्यक्ति के नागरिकता को इसने वो नहीं किया है कि हम तुम्हें नागरिकता नहीं दे रहे हैं, केवल संशोधन करके बाहर के जो शरणार्थी आए हैं उनको देने का उसने विचार किया। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।